हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री का कंक्लूजन करेंगे। आज इस चैप्टर का फिनिशिंग टच होगा और आज इसमें सारे चीजों को मैं बता दूंगी और जो भी क्वेश्चन, जो भी आपको डाउट होगा वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री के पीछे वीडियो में हमने देखा कि हिस्ट्री के कितने पार्ट्स हैं और इनके सोर्सेस क्या क्या हैं, कैसे हमको इतिहास के बारे में पता चलता है, कैसे हमें गुजरे जमाने पिछले दिनों के बारे में पता चलता है कि कैसे लोगों ने अपनी शुरुआत की, जीने की शुरुआत, कैसे आग का आविष्कार किया, कैसे भोजन उगाना पकाना शुरू किया और कैसे क्रॉप्स को उगाना शुरू किया, कैसे वो लोग रिवर वैली के किनारे रहना शुरू किए, दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस नियर द वाटर सोर्सेस, और जब वहां पे वाटर सोर्सेस के पास फर्टाइल लैंड होता था तो वहां पे वो धीरे धीरे कैसे सेटल होना शुरू किए, और फिर कैसे लिटरेरी सोर्सेस से पता चलता है हम लोगों को, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से और ओरल सोर्सेस से। तो लिटरेरी सोर्सेस से फर्स्ट टू द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट, और लिटरेरी सोर्स में हमने देखा कि दो तरह के लिटरेरी सोर्स होते हैं, फॉरेन अकाउंट्स और इंडिजिनियस सोर्सेस। तो लिटरेरी सोर्सेस रेफर्स टू द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट, जिसमें हम लोग लिखित रूप से पता चलता है कि पहले जमाने में कैसे लोग रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे और भी बहुत सारी बातें। मैन्युस्क्रिप्ट आर द डॉक्यूमेंट रिटन बाय द हैंड ऑन द पाम लीव्स और क्लोथ। सबसे पहले लोगों ने ताड़ के पत्तों पे, खजूर के पत्तों पे लिखना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था। तो जो पहला मैन्युस्क्रिप्ट पाया गया वह भोजपत्र के बेच ट्री के लीव्स पे था। तो वह भोजपत्र के पत्ते, हिंदी में उसको भोजपत्र बोलते हैं, इंग्लिश में बेच बोलते हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द डॉक्यूमेंट रिटन बाय द हैंड ऑन द बेच ट्रीज बार्क पाम लीव्स और क्लोथ्स, कपड़े पर भी लिखा जाता था। प्राचीन काल में चिट्ठी जो है कपड़े पर ही लिखे भेजा जाता था। आपने रामायण और महाभारत जैसे सीरियल्स में देखा होगा कि किस तरह से रोल आउट किया हुआ रहता है और उसको लोग खोल के पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन ऑफ द पास्ट इज आर्कियोलॉजी। अभी आपने पिछले वीडियो में देखा कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होते हैं, जो पुराने जमाने के बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, क्वाइंस, पॉटरी, ज्वेलरी, जो भी चीज होते हैं उसको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बोलते हैं, आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। द स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन ऑफ द पास्ट इज आर्कियोलॉजी। तो जो पुराने जमाने के बचे हुए अवशेष मिलते हैं वह आर्कियोलॉजी कहलाता है। एंड अ पर्सन हु स्टडीज दीज रिमेन इज नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट, और जो लोग उसके बारे में पढ़ते हैं और जानकारी देते हैं, क्योंकि हम लोग सभी को जान नहीं सकते कि कितना साल पुराना है, तो वह उसको डेसिफर्मेंट करते हैं। डेसिफर्मेंट होता है जो पुराने जमाने की, कल मैंने बताया कि कैसे कार्बन के लेयर्स लग जाते हैं पुरानी चीजों पे, तो वह आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं डिकोड करते हैं, उसको डिकोडिंग करते हैं कि यह कितना साल पुराना है, और उस प्रोसेस को डेसिफर्मेंट बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन ऑफ द पास्ट इज आर्कियोलॉजी एंड अ पर्सन हु स्टडीज दिस रिमेन इज नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट। फिर अभी आपने पिछले वीडियो में सुना कि क्वाइंस से हमको पता चलता है कि यह कितना साल पुराना है, और उस जमाने में लोग सोने, चांदी, तांबे आदि आदि के सिक्के का इस्तेमाल करते थे। तो इससे पता चलता होगा कि उस समय कितना साल पहले, कितने साल पहले सोना का आविष्कार हो गया था, मतलब लोगों ने सोना और चांदी या तांबा या जो भी मटेरियल थे उसके बारे में जानना शुरू किया था। तो उस सिक्के का भी स्टडी किया जाता है कि यह सिक्का कितना साल पुराना है। तो उस सिक्के की पढ़ाई को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक। द स्टडी ऑफ कॉइंस इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक। तो अब हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानने की, हिस्ट्री कितने तरह का होता है, हिस्ट्री के सोर्सेस क्या क्या हैं, लिटरेरी सोर्सेस में क्या है, फॉरेन अकाउंट्स हैं, जो भारत में दूसरे देशों से जो लोग आए तो उन्होंने अपने देश, जब वो अपने देश में आए तो यहाँ से उन्होंने
भारत के बारे में लिखा तो उस अकाउंट से पता चलता है। भारतीय किताब जो है जैसे है एपिक्स, महाभारत और रामायण, उनसे पता चलता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता चलता है, जैन टेक्स्ट से पता चलता है। उसके बाद बिल्डिंग्स जो है पुराने जमाने की बिल्डिंग्स है, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, हम्पी की गुफाएं हैं, और बहुत सारे मंदिर है पुराने जमाने के, और बहुत सारे भग्नावशेष है जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कालीबंगन है, लोथल है, हड़प्पा है, वहां से बहुत सारे सामान मिले हैं, बहुत सारे खिलौने मिले हैं, गेहूं जौ के दाने दिए हैं, हड्डियों के अवशेष मिले हैं, और बहुत सारे डेड बॉडीज के फॉसिल्स हड्डी मिले हैं, जानवर मिले हैं। तो आगे चैप्टर में उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर बहुत सारे ओरल सोर्सेस होते हैं जिसमें हम लोग अपने दादा दादी से कहानी सुनते हैं, अपने मम्मी पापा से कहानी सुनते हैं। फिर हम लोग पूछते हैं आपने ये कहाँ से सुना, तो वो बोलते हैं कि ये हमारे मम्मी पापा ने हमको बताया है, उनके मम्मी पापा ने उनको बताया होगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज ऐसे है जो मिथ है, जो स्टोरी है, जो गाना है, वह कहीं लिखा हुआ नहीं होता है, उसको बस हम सुनते जाते हैं। फिर हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को सुनाते हैं, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को सुनाएंगे। इस तरह से हिस्ट्री का शुरुआत हुआ और यह चलते जा रहा है। और जब हम बहुत बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, उसके बाद जो लोग आएंगे तो अभी की दुनिया के बारे में वो बताएंगे। तो इस तरह से किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछे, आप समझने की कोशिश करें, और चैप्टर में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हो उसको आप डिक्शनरी से ढूंढें, बुक से समझने का कोशिश करें, अपने माता पिता से पूछें और माता पिता अपने बच्चों का हेल्प कराएं, और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको लर्न जरूर करें, उसको सीखें, शब्दों को बोलने का प्रयास करें। घर में बहुत समय है आपके पास, तो जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स जो कठिन शब्द है उसको याद करें, उसको पढ़ें और उसको बार बार समझने का प्रयास करें, उसको बार बार लिखें, और उसको आप घर में क्विज की तरह बैठ कर खेल भी सकते हैं। तो आगे चैप्टर में अब हम लोग दूसरे चैप्टर में अब नए इसके बाद हम लोग नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और जो भी किसी भी तरह का समस्या हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इसके नीचे के बारे में मैं PDF फाइल के जरिए आपको बता दूंगी। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।